Hello friends, I am Shaurya Mishra. Welcome you to your own YouTube channel, Vision Care Advisor. Friends, आज हम बात करेंगे कि visual acuity testing का process क्या है और क्या consider करके visual acuity note करते हैं. So, without taking much time, let's get started. तो फर्स्टली हम जानेंगे कि इसके प्रोसीजर क्या हैं. प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग विजुअल एक्यूटी यूजिंग स्नेलन्स चार्ट. तो स्टेप नंबर वन, पेशेंट इज आस्क्ड टू सिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द स्नेलन्स चार्ट बिकॉज एट दिस डिस्टेंस द रेज ऑफ लाइट आर प्रैक्टिकली पैरेलल एंड पेशेंट एक्सर्ट्स मिनिमम एकोमोडेशन. दोस्तों, सबसे पहले हम पेशेंट को स्नेलन चार्ट से 6 मीटर की दूरी पर आराम से बिठा देंगे, क्योंकि इस दूरी पर प्रकाश की किरणें व्यवहारिक रूप से समानांतर होती हैं और पेशेंट का एकोमोडेशन इस दूरी पर न्यूनतम होता है. दैट मीन्स 6 मीटर की दूरी पर पेशेंट का एकोमोडेशन न्यूनतम होता है. स्टेप नंबर टू, चार्ट शुड बी प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड, मींस चार्ट प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए. स्टेप नंबर थ्री, पेशेंट इज आस्क्ड टू रीड विद ईच आई सेपरेटली. तो हमें पेशेंट की ईच आई को सेपरेटली यानी अलग अलग से टेस्ट करना है. मतलब राइट आई को ब्लॉक करके हम लेफ्ट आई को चेक करेंगे और लेफ्ट आई को ब्लॉक करके हम राइट आई को चेक करेंगे. ओके. स्टेप नंबर फोर, विजुअल एक्यूटी इज रिकॉर्डेड एज अ स्नेलन फ्रैक्शन. तो स्नेलन फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज टिपिकल टेस्टिंग डिस्टेंस फॉर स्नेलन चार्ट आर 20 फीट और 6 मीटर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ a person can read a line at 6 meter distance and the normal observer can see the same line at 9 meter, then the person has 6/9 Snellen acuity. Visual acuity एक Snellen fraction जैसा record किया जाता है. Snellen fraction का मतलब है कि patient का Snellen chart से distance. इसका मतलब है कि Snellen chart के लिए टेस्टिंग डिस्टेंस 20 फीट या 6 मीटर के रूप में डिफाइन किया गया है. उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 6 मीटर की दूरी पर स्मॉलेस्ट लाइन पढ़ सकता है और सामान्य व्यक्ति जिसको कोई रिफ्रेक्टिव एरर नहीं है उसी लाइन को ये पर्सन 9 मीटर की दूरी से देख सकता है, तो फर्स्ट पर्सन का विजुअल एक्यूटी 6/9 नोट किया जाएगा. तो इन 6/9 देयर इज अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर. सो इन दिस विजुअल एक्यूटी 6/9, 6 इज न्यूमरेटर एंड 9 इज डिनोमिनेटर. सो लेट्स नो व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस दैट द पेशेंट इज स्टैंडिंग फ्रॉम द चार्ट इन फीट और मीटर. तो न्यूमरेटर मतलब चार्ट से पेशेंट की दूरी, मींस पेशेंट टारगेट से कितनी दूरी पर है ये हम न्यूमरेटर के स्थान पर नोट करते हैं. डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम विच अ पर्सन विद परफेक्ट आईसाइट इज स्टिल एबल टू रीड द स्मॉलेस्ट लाइन दैट द पेशेंट कैन क्लियरली विजुअलाइज. सो डिनोमिनेटर दर्शाता है कि एक सामान्य व्यक्ति इस छोटी लाइन को कितनी दूरी से देख सकता है जिसको कोई रिफ्रेक्टिव एरर नहीं है. स्टेप नंबर फाइव, व्हेन द पर्सन इज एबल टू रीड अप टू 6 मीटर लाइन देन विजुअल एक्यूटी इज रिकॉर्डेड एज 6/6 नॉर्मल. मतलब जब पर्सन 6 मीटर लाइन तक पढ़ने में सक्षम होता है तो विजुअल एक्यूटी को हम 6/6 नोट करते हैं, जो कि सामान्य विजन कंसीडर किया जाता है. स्टेप नंबर सिक्स,
Depending on the smallest line, patient can read from distance of 6 meter. Visual acuity is recorded as 6 by 9, 6 by 12, 6 by 18, 6 by 24, 6 by 36 and 6 by 60. So, सबसे छोटी लाइन जो पेशेंट 6 मीटर की दूरी से पढ़ सकता है, उसके आधार पर पेशेंट का विजुअल एक्यूटी नोट किया जाता है, जैसे 6 by 9, 6 by 12, 6 by 18, 6 by 24, 6 by 36 और 6 by 60. अगर पेशेंट स्नेलन चार्ट का 6 by 60 विजन रीड नहीं कर पाता है, देन हम स्टेप नंबर 7 की तरफ चलेंगे. स्टेप नंबर 7, If the patient cannot see the top line from 6 meter, then ask the patient to walk towards the Snellen chart till one can read the top line. मतलब, यदि patient 6 meter से top line नहीं देख सकता है, तो patient को Snellen chart की ओर तब तक चलने के लिए कहा जाता है, जब तक कि patient कोई top line को पढ़ न ले. Step number 8, at what distance patient can read the possible line? So, depending on the distance patient can read the top line, we recorded the visual acuity as 5 by 60, 4 by 60, 3 by 60, 2 by 60 and 1 by 60. So, कितनी दूरी पर पेशेंट बॉटम की पॉसिबल लाइन तक पढ़ सकता है, अकॉर्डिंगली हम विजुअल एक्यूटी मेंशन करते हैं, जैसा कि 5 by 60, 4 by 60, 3 by 60, 2 by 60 और 1 by 60. अगर पेशेंट 1 मीटर के डिस्टेंस से भी स्नेलन चार्ट को नहीं पढ़ पाता है टॉप लाइन भी, देन हम स्टेप नंबर 9 पे आते हैं, finger counting. Okay? If patient is unable to read top line even from 1 meter, then ask the patient to count fingers of the examiner. The visual acuity is recorded as CF-3, CF-2, CF-1 or CF means close to face. Depending on the distances, at which distance patient is able to count fingers. Means, यदि patient 1 meter से भी ऊपर की line को पढ़ने में असमर्थ है, then patient को examiner की उंगलियां गिनने के लिए कहा जाता है, और patient को examiner का finger count करने के लिए कहा जाता है. Patient के response के according, हम finger count note करते हैं. जैसे कि CF-3, CF-2, CF-1 या CF यानी close to face. अगर patient finger को भी count नहीं कर पाता है, then हम hand movement note करते हैं. When the patient fails to count fingers, the examiner moves their hand close to patient's face. If the patient can appreciate the hand movements, the visual acuity is recorded as HM positive. Means, जब patient उंगलियां गिनने में विफल रहता है, तो examiner अपना हाथ patient के चेहरे के पास ले जाता है. यदि patient हाथों की गतिविधियों को appreciate कर सकता है, तो visual acuity को हम HM positive के रूप में note करते हैं. अगर patient hand movement भी appreciate नहीं कर पाता है, then हम perception of light पे आ जाते हैं. When the patient cannot distinguish hand movement, then examiner shows the torch light to patient and notes if the patient can perceive light or not. If the patient can perceive light, then it is recorded as PL plus, and if the patient cannot perceive light, then it is recorded as P. मतलब, जब patient hand movement को distinguish नहीं कर पाता है, तो examiner patient को torch की light दिखाता है,
और नोट करता है कि पेशेंट को लाइट दिखाई दे रहा है या नहीं। यदि पेशेंट लाइट का अनुभव नहीं कर सकता है तो इसे पीएल प्लस के रूप में दर्ज किया जाता है, और यदि पेशेंट को लाइट का अनुभव नहीं होता है तो इसे ई के रूप में नोट करते हैं। अगर पेशेंट लाइट भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता है देन हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइट पे आ जाते हैं। सो स्टेप नंबर 12 इज प्रोजेक्शन ऑफ रेज। इफ परसेप्शन ऑफ लाइट इज पॉजिटिव देन प्रोजेक्शन ऑफ रेज शुड बी चेक्ड बाय शाइनिंग लाइट इन ऑल फोर डायरेक्शंस एंड पेशेंट इज आस्क्ड whether he or she is able to recognize the direction of light rays that is shown and is recorded in all four quadrants. So, यदि perception of light positive है, तो projection of rays को हम सभी चार दिशाओं यानी temporal, nasal, superior and inferior में torch light को shine करते हुए ये confirm किया जाएगा patient से कि क्या वह लाइट की दिशा को पहचानने में सक्षम है, कि लाइट किस तरफ से आ रही है, सुपीरियर, इंफीरियर, नेजल या टेम्परल साइड से। एंड अकॉर्डिंग टू पेशेंट रेस्पॉन्स प्रोजेक्शन ऑफ रेज को नोट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। प्लीज डू रिमेम्बर टू गेट चेक योर विजन ईयरली and see the world clearly.